channel. Hopefully you guys enjoyed my previous vlog. And right now I am in Lower Topa और हम यहाँ से अब जाएंगे नथिया गली और अयूबिया वगैरह. सो यानी कि गलियात रीजन को हम आज देखेंगे. वैसे तो इतना ज़्यादा टाइम नहीं है कि हम सारा एक्सप्लोर कर सकें, क्योंकि हमने बहुत छोटा सा आप ये कह सकते हैं कि एक वीकेंड गेटअवे प्लान किया था विद फैमिली. सो ये मेरा मेरे ससुराल के साथ पहला कोई फैमिली ट्रिप है और आई एम एन्जॉइंग. पूरी फैमिली साथ में है, एक दूसरे को जानने का मौका मिल रहा है और एक क्वालिटी टाइम स्पेंड करने का मौका मिल रहा है बहुत अरसे बाद. सो अभी गाड़ियाँ ऑलमोस्ट तैयार हो चुकी हैं, सामान सारा रख लिया गया है और अब बस हम इंतज़ार कर रहे हैं कि जो खवातीन की प्रेपरेशन अभी चल रही हैं वो मुकम्मल हो जाएं. बस टचअप्स चल रहे हैं सबके और बच्चे ऑब्वियसली सबके बच्चे हैं तो बच्चों के साथ थोड़ा टाइम लग जाता है बच्चों को तैयार करने में, सबको खाना खिलाने में, फिर निकलने में. सो ये हमारी हमें बड़ी अच्छी एक रेजिडेंस मिल गई थी जहाँ पर हम स्टे कर रहे थे. इट्स अ वेरी नाइस एंड क्लीन हाउस. तो हमें कोई ऐसी एज सच मुश्किल परेशानी पेश नहीं आई क्योंकि वी आर 20 पीपल. सो यू कैन इमेजिन कि कितना मुश्किल होता कि अगर हम किसी होटल में स्टे करते. सो इट वॉज़ अ ब्लेसिंग फॉर अस कि हमें एक अच्छी सी रेजिडेंस मिल गई थी. अब जैसे जैसे जर्नी आगे बढ़ेगी आपको मैं अपने साथ लेके चलूँगी. तो सफ़र का आगाज़ हो चुका है. मौसम इस वक्त बहुत 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 खूबसूरत लग रहा है और इस गाड़ी में आज भी वही लोग हैं जो कल थे. अम्मी, अबू, निशान इज ड्राइविंग और मैं यहाँ पर आपसे बात कर रही हूँ. तो एलिया को हमने दूसरी गाड़ी में रखा है क्योंकि एलिया जो है वो काफ़ी अटैच है अपनी ताई अम्मी के साथ, तो वो उनके साथ दूसरी गाड़ी में है. तो मैंने सोचा कि मैं अपने कपड़े भी खराब करूँ क्योंकि वो यहाँ पे बैठेगी और बहुत जम्प्स करेगी. तो मैंने मौके का फ़ायदा उठाया. जब सारी फैमिली साथ में होती है तो ये बड़ा एडवांटेज मिल जाता है कि बच्चों को देखने की परेशानी नहीं रहती. प्लस इस वक्त बज रहे हैं 11:30. प्लान ये था कि हम 7-8 बजे घर से निकल जाएंगे, लेकिन हुआ ये कि जब बहुत बड़ी फैमिली होती है सो आपको फिर बच्चों का भी ख्याल रखना है, सबको खाने वाने भी खिलाने हैं, बच्चों को तैयार करने के बाद खुद भी तैयार होना है. तो हमें निकलते निकलते 11:30 हो गए. वेदर बहुत प्लेजेंट है, बादल इतने खूबसूरत लग रहे हैं, इतने नीचे आए हुए हैं. आपको ज़रा जर्नी भी दिखाते हैं हमारे. बच्चे को भी जगाना चाहिए और ऐसी हरकतें करनी चाहिए जो आपको खुश करें. लिटिल थिंग्स मेक मी हैप्पी. कैसी लग रही हूँ मैं शाम? अच्छी लग रही हूँ. थैंक यू. जबरदस्ती की तारीफें ऐसे करवाते हैं अपने शोहर से कि आप वीडियो ऑन कर दें. वैसे तो करते नहीं. अम्मी आप भी टिप्स ले लें मुझसे. वीडियो ऑन मुझे सबके सामने तारीफ करने को बोले तो शोहर मजबूर हो जाएगा तारीफ करने के लिए. और आज मैंने जो शान के साथ मैचिंग भी की है ये देखिए जी. मैचिंग तो नहीं है ये, लेकिन थोड़ा सा फैमिली सेम है ना, कलर पैलेट सेम है. तो मैं शान को ज्यादा तंग नहीं करूंगी क्योंकि ही इज ड्राइविंग और थोड़ा सा व्यू देखते हैं फिर से. Thank you.
एक्चुअली जाते जाते रास्ते में हमने स्टॉप किया है क्योंकि ये मंजर बड़ा खूबसूरत लग रहा है. दिल कर रहा था कि रुक के यहाँ पर जरा ये बादलों का नजारा करे. ब्यूटीफुल. और यहाँ पे अब थोड़ा सा एक फोटो सेशन होगा. So we are here at Nathia Gali Waterfall. बहुत 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 खूबसूरत जगह है. और इस जगह से ज़्यादा जो रास्ता था यहाँ पर पहुँचने का, वो पीछे इतने खूबसूरत पहाड़ आपको नज़र आ रहे हैं, वो रास्ता बहुत बहुत खूबसूरत है. वहाँ पर इतनी खूबसूरत लोकेशन है पिक्चर्स के लिए. सो वापसी पर मैं कोशिश करूँगी कि वहाँ पर हम किसी ना किसी स्पॉट पर रुक के कुछ अच्छी अच्छी पिक्चर्स ले सकें. अभी आबशार के कुछ नज़ारे आपको दिखाती हूँ. लुक्स अमेजिंग. आयत का फ़ोटो शूट हो रहा है. आयत का फ़ोटो शूट उसके बाबा कर रहे हैं. और अभी बहुत सारे बच्चे पड़े हैं जिन सबका फ़ोटो शूट होना है. तो मैं आपको एक दफ़ा लोकेशन दिखाती हूँ. यहाँ नीचे भी है वाटरफॉल, इधर भी है और इससे ऊपर भी है और इससे नीचे भी है. इट्स अ वेरी ब्यूटिफुल प्लेस. बहुत खूबसूरत फोटोज ले ली हमने यहाँ पर. और क्योंकि कल भी हमने सारा दिन पानी में गुजारा था, तो वी आर थिंकिंग कि बस अब यहाँ पर बहुत ज़्यादा टाइम हो गया नहाने वहाने का, मूड तो है नहीं आबशार में. सो यहाँ से निकलते हैं. इन बादल इस कदर खूबसूरत लग रहे हैं पीछे. OMG, दिस व्यू इज टू डाई फॉर. एंड आई बिलीव साल में एक दफ़ा कम से कम बता रही हूँ, साल में एक दफ़ा अपनी पूरी फैमिली के साथ, आप अकेले तो ट्रैवल करते ही, लेकिन अपनी पूरी फैमिली के साथ एक दफ़ा साल में ज़रूर ट्रैवल करना चाहिए. उससे क्या होता है कि बहुत सारी बातें, बहुत सारी गिले शिकवे ऐसे ही साथ ट्रैवल करने से दूर हो जाते हैं. और आई पर्सनली बिलीव कि हमारी जो ज़िंदगी है वो इतनी फास्ट हो चुकी है कि अपने पेरेंट्स के साथ भी, बाकी फैमिली मेम्बर्स के साथ भी उस तरीके से टाइम स्पेंड नहीं कर पाते जिस तरह से हमें करना चाहिए.
तो एक छोटा सा अगर वीकेंड गेटअवे ही प्लान हो जाए तो उससे भी बहुत तब्दीली आ जाती है लाइफ में, लाइफ बहुत पीसफुल और बहुत खुशगवार हो जाती है। वैसे भी आपका जहन फ्रेश हो जाता है, ट्रैवल तो करना चाहिए। जो एक्सपीरियंस आपको ट्रैवल करके हासिल होगा वो कभी भी किताबें पढ़ के हासिल नहीं हो सकता, दुनिया का कोई काम करके हासिल नहीं हो सकता, जो चीज़ें आपको ट्रैवलिंग सिखाती है। नेक्स्ट प्लान जो होगा ना वो मुश्कपुरी टॉप का होना चाहिए, मुझे वहां पर हाइकिंग करके जाना है। अब जो है ना ये सिलसिला नहीं रुकना चाहिए, आई एम जस्ट लविंग इट, कितना अच्छा लग रहा है यार। और मैं पता है क्या सोच रही हूँ, वहां पर एक घर बनाते हैं, छोटा सा घर बनाते हैं वहां पे, और हर महीने एक दो दिन के लिए बंदा यहाँ पर आके सुकून से रहे। इतने खूबसूरत खूबसूरत नज़ारे देखे, उसके बाद हमारा जो ट्रिप था वो इख्तिताम को पहुंचता है। कैसे? ऐसे, फैसल मस्जिद। ये हमारे ट्रिप का लास्ट स्पॉट है जनाब, ये प्लान में इंक्लूडेड नहीं था लेकिन ये शामिल हो गया। एंड आई हैव नेवर सीन फैसल मस्जिद लाइक दिस बिफोर, क्योंकि हमेशा जब भी हम गुजरे हैं इस्लामाबाद से तो बस दूर से कहीं से फैसल मस्जिद नज़र आ गई, लेकिन ये इतनी ग्रैंड मॉस्क, इतनी खूबसूरत मस्जिद मैंने आज पहली दफ़ा यहाँ इतने करीब से आके देखी है। और आई वॉज नॉट एक्सपेक्टिंग कि यहाँ पर इतना रश होने वाला है, मुझे नहीं पता था कि यहाँ पे इस तरह से पार्क बना हुआ और लोग मतलब इसे पिकनिक स्पॉट की तरह यहाँ पर इंजॉय करने के लिए आते हैं, क्योंकि इधर सोडा भी चल रहा है, कुल्फी वाला भी है, पापड़ भी मिल रहा है, तो एक पिकनिक स्पॉट बन चुका है। बट उसके अलावा ब्यूटीफुल, इतना क्राउडेड है इसलिए मुझे इतना मज़ा नहीं आ रहा, लेकिन स्टिल मैं फैसल मस्जिद को इतने करीब से आकर देख सकी, मुझे बहुत अच्छा लगा। सो गर्ल्स एंड बॉयज, व्लॉग होता है यहाँ पर ख़त्म। इसके वो ठाठा बोतल खुल रही है, आई एम गेटिंग कन्फ्यूज कि ये ठा वाला सोडा पीऊँ या फिर कुल्फ़ी खाऊँ, लेकिन क्योंकि मुझे कुल्फ़ी की क्रेविंग हो रही है सो आई एम गोइंग फॉर द कुल्फ़ी। और शान आप मुझे कुल्फ़ी लेके दे। थैंक यू, वेलकम।